हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि यह योगा से रिलेटेड एमसीक्यूज का पांचवा पार्ट है। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट का, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। एंड डेली बेसिस पे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्राणायाम में श्वास को खींचना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जैसा कि प्राणायाम में श्वास को खींचना पूरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में भरे हुए श्वास को भीतर ही रोकना क्या कहलाता है। तो भरे हुए श्वास को पूरक के बाद हम क्या करते हैं, कुंभक कहते हैं, यानी कि भरे हुए श्वास को भीतर ही रोक के रखना कुंभक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास को बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो श्वास को बाहर निकालने को हम रेचक कहते हैं, यानी कि प्राणायाम के तीन घटक होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में हम श्वास को खींचते हैं और कुंभक में हम खींचे हुए श्वास को कुछ देर तक रोके रखते हैं। एंड रेचक में जो श्वास रोके हुए है उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के कितने भेद माने गए हैं। तो प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के 7 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, शीतकारी, भ्रस्तिका, भ्रामरी, केवली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुंभक का भेद नहीं है। सूर्यभेदी, भ्रामरी, केवली, ये तीनों है, यज्ञ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक का भेद है, ए है सूर्यभेदी, उज्जायी, चित्कारी, चितली, बी है भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली, एंड सी है ए एंड बी दोनों, एंड घ है तथा केवल केवली। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों, यानी कि प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के 7 भेद हैं, सूर्यभेदी, उज्जायी, चित्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी एंड केवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम के अतिरिक्त षटकर्म में कितनी क्रियाएं मानी जाती हैं। षटकर्म यानी शुद्धि क्रिया में 6 क्रियाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? इसमें नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, ये 6 क्रियाएं आती हैं षटकर्म में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? षटकर्म के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौती क्रिया के वार धौती रूप को क्या कहा जाता है। तो धौती क्रिया के वार धौती रूप को कुंजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है, यानी कि प्राणायाम जब करते हैं तो जो श्वास होता है यानी वायु होता है वो कितनी देर तक हम अंदर रोके रखेंगे। तो दोस्तों, जितना श्वास भरने में समय लगता है उसका 4 गुना समय तक हम श्वास को अंदर रोके रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के किस चरण में ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात कहा गया है प्रत्याहार में। ठीक है। जैसे कि योग के 8 चरण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें से प्रत्याहार में इंद्रियों पर नियंत्रण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग नियंत्रण के किस चरण में श्वास नियंत्रण की साधना की जाती है। जैसा कि दोस्तों, श्वासों पर नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है, तो इसकी बात कही गई है प्राणायाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के किस चरण में शरीर की स्वच्छता, संतोष, संयम, अध्ययन, भगवान के प्रति भक्ति बताई गई है? तो किसके अंतर्गत बताया गया है? यह नियम के अंतर्गत, जैसा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें से यम जो है सामाजिक अनुशासन होता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है, और नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान आता है। तो ये स्वच्छता, संतोष, संयम, अध्ययन, भगवान के प्रति भक्ति किसमें बताया गया है? तो नियम में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के किस चरण में ध्यान एवं एकाग्र का अनुभव कराया जाता है? तो यह समाधि में करा जाता है। नेक्स्ट है, बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो यह बस्ती क्रिया जल बस्ती, पवन बस्ती, शंख प्रक्षालन क्रिया, उपरोक्त सभी ये तीनों प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन लाभदायक है? तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन लाभदायक है? तो इसमें दिया है शवासन, मयूरासन, सिद्धासन, ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, यानी कि रक्तचाप के उपचार के लिए शवासन और मयूरासन लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर के समान हो जाती है? तो दोस्तों, मयूरासन में शरीर की मुद्रा मोर के समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ऑप्शन है हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आसन सही होगा? डायबिटीज यानी मधुमेह के लिए हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ठीक है दोस्तों, आसन है सूर्य नमस्कार, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन तथा सर्वांगासन एंड उपयुक्त सभी। तो अस्थमा के लिए सूर्य नमस्कार, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, ये सभी आसन उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्ज तथा बवासीर के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? आसन है चक्रासन, सर्पासन, हलासन, बी है धनुरासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, सी है वज्रासन, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी आसन जो है कब्ज तथा बवासीर के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? ऑप्शन है ए है धनुरासन तथा शलभासन, बी है चक्रासन तथा सूर्य नमस्कार, सी है हलासन तथा वज्रासन, डी है सर्वांगासन तथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र रोग के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? ए है शीर्षासन, बी है सर्वांगासन, सी है ए एंड बी दोनों, दी है कोई नहीं। तो नेत्र के रोग के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? शीर्षासन, सर्वांगासन दोनों लाभकारी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में बनने वाले गैस के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो पेट में बनने वाले गैस के लिए पवन मुक्तासन, धनुरासन, चक्रासन, ये तीनों आसन उपयोगी होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र रोग के लिए रोगियों के लिए कौन सी नेति लाभकारी होती है? तो जल नेति, धृत नेति, त्राटक, कौन सी नेति इसमें लाभकारी होती है? तो जल नेति, धृत नेति, त्राटक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, क ख दोनों, यानी कि जल नेति ए और बी दोनों, यानी कि जल नेति एंड धृत नेति दोनों नेत्र रोग के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौली तथा प्राणायाम किसके लिए अधिक उपयोगी हैं? तो नौली तथा प्राणायाम किसके लिए अधिक उपयोगी हैं? ए है गैस की समस्याओं को दूर करता है, एंड बी पाचन में सहायता करता है, सी है ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों, नौली तथा प्राणायाम ये दोनों गैस की समस्याओं को दूर करता है, पाचन में सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए,
और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए। एंड दोस्तों जो भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं सभी टॉपिक को पूरा करूंगी। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।